ओके दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह लैपटॉप बैटरी का BMS सर्किट है और इसी को हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी कि लैपटॉप बैटरी का BMS बिल्कुल सही होता है। उससे लोड कैसे लें, उससे आउटपुट कैसे लें, आइए इस वीडियो में जानते हैं, समझते हैं। ओके दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। ये दोस्तों, हमने कुछ टाइम पहले लिथियम आयन बैटरी बनाई थी 12 वोल्ट की, इसमें BMS नहीं था। अभी हम मैंने कहा था लैपटॉप का BMS यूज़ करूँगा, तो आप देख सकते हैं यह लैपटॉप बैटरी का BMS है जो कि लैपटॉप की बैटरी में अटैच होता है। इसमें सारे सेंसर लगे होते हैं, टेम्परेचर की भी क्लॉक लगी होती है, MOSFETs होते हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सब होती है। ठीक है, यही समझाने के लिए। अब देखिए BMS के पीछे साफ साफ मेंशन है कि पॉजिटिव, ये यहाँ पर पोल नेगेटिव, यानी नेगेटिव वायर कौन से हैं और पॉजिटिव। ठीक है, सबसे ऊपर नेगेटिव है, सबसे लास्ट में पॉजिटिव है। हमें क्या करना है, जब हम ये चौथे नंबर 1 2 3 4 सिस्टम वाले वायर को नेगेटिव वायर से कनेक्ट करते हैं, तभी ये BMS हमें आउटपुट देगा। ठीक है, आउटपुट में वोल्टेज देगा, आउटपुट में वोल्टेज तभी देगा स्टार्टिंग में पहली बार जब आप इसमें चार्जर कनेक्ट करेंगे। यानी सबसे पहले आपको सिस्टम वाले पोल को नेगेटिव वायर यानी ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना है, और इसमें चार्जर कनेक्ट करना है 16-17 वोल्ट की इनपुट DC। ठीक है, उस एक बार आपको इतना करना है, फिर आपका BMS चालू हो जाएगा और आपको आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव वायर सबसे नीचे से यहाँ लिखा हुआ है वहाँ से मिलेगा आउटपुट, और नेगेटिव कॉमन पहले वाले पोल से मिलेगा, और यही इसका डिस्चार्ज और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पॉइंट। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो वायर है, यहाँ पर इस वायर को, ये नेगेटिव वायर है, ये VG यानी ग्राउंड से कनेक्ट होगा। ये देख सकते हैं हम, ये जो VP है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव वाला वायर कनेक्ट होगा, जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, VP यानी पॉजिटिव, यानी ये बैटरी का ये वाला सिरा, यानी पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला VG से यानी ग्राउंड से है। अब बात करते हैं कि जो नेगेटिव के सबसे पहले सीरीज कनेक्शन में आता है B1 पॉइंट, इसे हम B1 बोल रहे हैं, जहाँ से बैटरी का नेगेटिव पॉइंट स्टार्ट हुआ था, दूसरी बैटरी से कनेक्ट हो रहा है वो, और उसके बाद सेकंड वाला चेन यानी B2 वाली, तो वो कनेक्ट होगी BMS में। ठीक उसी प्रकार नेगेटिव है, नेगेटिव सबसे पहले यहाँ B1 कनेक्ट होगा पतले वाले वायर से, और उसके बाद यहाँ पर ये ग्रीन वाला B1 से कनेक्ट होगा, और ये B2 से कनेक्ट होगा दूसरा वाला पतला वायर। ठीक है, समझ के चलना है, और यहाँ आपको समझने में बहुत परेशानी हो रही होगी तो ये डायग्राम विजिट कर लीजिए आप, ये रहा डायग्राम, इससे आप बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और उसके अनुसार आपको कनेक्शन करने हैं। डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ज़रूर से। और सब कुछ कनेक्शन करने के बाद मैंने जैसे ही यहाँ पर सिस्टम वाले वायर को नेगेटिव से कनेक्ट कराई, देखिए ये मैंने कनेक्ट कर दिया, तो आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको आउटपुट तब तक नहीं ये BMS देगा जब तक कि आप इसमें एक बार जो है चार्जर को कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसको कितनी बार लगा लें, सिग्नल वायर को, सिस्टम वायर को, स्विच वायर को, ये ऑन नहीं होगा BMS, पहले हम इसमें चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको 14 वोल्ट की एक सप्लाई, DC की सप्लाई लगा दे रहा हूँ, बस एक क्लिक करवाना है आपको 3 सेकंड 2 सेकंड के लिए। इससे क्या होता है, हमारा BMS का सर्किट ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, और ये हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट जब कर रहे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, उसी टाइम पे हमें स्विच ऑन ऑफ का ग्रीन वायर, ये सिस्टम वाला नेगेटिव से 1-2 बार कनेक्ट करना होगा हार्डली। ठीक है, और हमारा जो है BMS सर्किट ऑन हो जाएगा, यह आप देख भी सकते हैं, और वो एम्पियर भी दिखा देगा आपका स्क्रीन पावर सप्लाई कि उसमें एम्पियर भी जा रहे हैं, बैटरी फुल चार्ज होगी। तो ये देखिए ये सब कट भी कर रहा है बार बार एम्पियर को, यानी बैटरी हमारी, हमारी जो बैटरी है फुल चार्ज है, देखिए ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारी आउटपुट आ गई है, मैंने चार्जर को हटा दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है, और इस ग्रीन वाले वायर को मैं इसलिए यहाँ तक लाया हूँ कि देखिए जैसे हमसे आउटपुट शॉर्ट हो जाती है तो हमें क्या करना है, ये सिस्टम वाला जो मैंने आपको वायर दिखाया था ग्रीन वाला, ठीक है, और ये जो चौथे नंबर पे है 1 2 3 4th टाइम पे है, ये देख सकते हैं आप 4th पिन है, ये डेल के लैपटॉप की बैटरी है, तो इसके हिसाब से ये वाले नंबर हैं, HP या किसी और कंपनी में अलग हो सकता है। तो देखिए इसको एक बार हम हटा देंगे, ये ऑन ऑफ स्विच कहलाता है बैटरी के लिए, या सिस्टम वायर कह सकते हैं, जो भी है। हटाने के बाद एक बार और कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा ऑन ऑफ, वो रिस्टार्ट हो गई बैटरी और आउटपुट हमें मिलने लगेगा। अब दोबारा मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, ये मैंने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने के बाद आउटपुट चली गई,
और आउटपुट को वापस से लाना है तो इस वायर को हटाएंगे, दोबारा से नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे। जब तक ये वायर नेगेटिव में जुड़ा रहेगा तभी तक आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव से हटा देंगे इस वायर को तो आउटपुट रुक जाएगी। ये देखिए चार्जर मैंने कनेक्ट करा है, ठीक है, ये दिखाने के लिए देखिए कि चार्जिंग इसकी ऑटो कट है, क्योंकि BMS का ये फ़ायदा होता है सेल हमारे ओवर चार्ज नहीं होते हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती है, ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन, सारी प्रोटेक्शन इसमें रहती है। यह कंप्लीट वीडियो आपको अच्छी लगी अस्यूमित करता हूँ दोस्तों, ठीक है। डेल बैटरी है, डेल लैपटॉप की बैटरी है, ये समझ के चलिएगा। और यहाँ दोस्तों अभी हम इसे लोड चला के देखते हैं, थोड़ा सा लोड चलाऊँगा क्योंकि ये बैटरी हमारी पुरानी है। तो ये देखिए ये बैटरी हमने इन्वर्टर से कनेक्ट करी है। अच्छा, अगर ये नई बैटरी होती तो काफ़ी अच्छा बैकअप मिलता, लेकिन थोड़ी पुरानी सेल है तो बैकअप थोड़ा कम है, इसलिए मैं केवल 9 वाट का बल्ब लगा रहा हूँ। ये देखिए इन्वर्टर के थ्रू ये बल्ब अच्छे से चल रहा है इस बैटरी से हो करके, और ये मैंने निकाल के आपको दिखाया कि ये लोड जो है बैटरी से ही चल रहा है। देखिए ठीक है, बैटरी डिसकनेक्ट, बैटरी कनेक्ट। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।